The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके पैर जो है हिलते ही रहते हैं। इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आपके पैर जो हैं वो रेस्टलेस है, उनको कोई आराम नहीं है, कोई काम नहीं है। ज़बरदस्ती के ड्रामे लगा रखे हैं पैर ने, हिले जा रहे हैं। आप मारो उसको, पीटो उसको, कुछ भी करो, अनकंट्रोलेबल अर्ज है पैर हिलाने का। तो पैर हिलाना, कई सारे लोग उसको बोलते हैं पैर मत हिलाया करो ऐसा वैसा, बट टिन इट इज़ अनकंट्रोलेबल फॉर दीज पीपल। ये बन जाता है एक अनकंट्रोलेबल एंड कभी कभी अनकम्फर्टेबल सेंसेशन, और ये ज़्यादातर इवनिंग या नाइट टाइम पे होता है। रेस्टलेस लेग्स, राइट, जब आप बैठे हैं या लाइंस लेटे हैं उस समय होता है। कई बार जो मूविंग हो रही है वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी प्रकार की कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग है। मान लो आपको स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, और आपने एकदम से पैर हिलाना शुरू कर दिया तो आपका आराम हो जाता है ना। दिस इज़ ब्लडी कॉमन, दिस इज़ वेरी कॉमन, मीनिंग इट इज़ ये बहुत कॉमनली होता है। कई लोग, मैं खुद हिलाता हूँ पैर कई बार जब मैं बैठा होता हूँ, टेंशन लेता हूँ, तो इट्स कॉमन फॉर समबडी टू डू दीज काइंड ऑफ फिजिटी थिंग्स। बट देन वाई टू कॉल इट अ डिजीज, वाई टू कॉल इट अ सिंड्रोम, वील अंडरस्टैंड टूडे। ओके, वाई सो मच स्ट्रेस अबाउट दिस, यार काहे इतना टेंशन ले रखा है, रेस्टलेस लेग है। इसको एक विलीज एक्बॉर्न नाम के भाई साहब, उसके विलीज एक्बॉर्न डिजीज भी बोला जाता है। और ये भाई साहब, ऑब्वियसली मैंने कहा, किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, उम्र के साथ बढ़ सकता है। और द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट, ये बीमारी तब इसे कहते हैं जब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगर कंट्रोल से कर रहे हैं, जब मर्जी हिला रहे हैं, जब मर्जी पैर हिला रहे हैं और जब मर्जी रोक रहे हैं, देन इट इज़ ओके, दैट्स फिजिटिंग, दैट्स काइंड ऑफ फिजिटिंग, कि भाई हाँ कोई ना कोई कर रहा है कुछ, हाँ फिजिटिंग। बट देन इफ़ यू cannot control if it is affecting your sleep, if it is affecting your daily activities, तब वहाँ पर ये आ जाता है एक syndrome कि भाई ये क्या है यार, ज़बरदस्ती मेरे तो पैर हिल रहे हैं, मेरे को काम नहीं करने दे रहे, right? So इसमें फिर आपको कुछ steps लेने होते हैं self care के लिए, lifestyle changes करनी होती हैं, and at the end of the day there are some medicines also which actually help. Now coming on to कि भाई कब किसको बोलेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, एक्चुअल सिम्टम क्या है, उस समय हो क्या रहा है। तो याद रखिए, द मेन फंडा इज अर्ज टू मूव द लेग्स। इतनी ज़्यादा अर्ज हो रही है कि एकदम से आप रेस्ट कर रहे हो, जैसे ही आप बैठे या कार में बैठे, प्लेन में बैठे, थिएटर में बैठे, यू लेटे, उस समय आपको उस अर्ज हुई कि पैर हिलाओ, राइट? और आपने जब पैर हिलाया तो वो जो अर्ज है उसका रिलीफ भी हुआ और कोई स्ट्रेस का भी रिलीफ हुआ, राइट? लाइक समथिंग लाइक, मान लीजिए आपने अपना लेग जिगलिंग करे या स्ट्रेचिंग करे या वॉकिंग करा, उससे आपको रिलीफ मिल गया, समथिंग लाइक दिस। या फिर और साथ में ये इवनिंग में हो रहा है, और नाइट टाइम में किसी किसी को ट्विचिंग भी हो सकती है, लेग ट्विचिंग, दैट इज समथिंग कि वेरी कॉमन थिंग, राइट? पीरियोडिक लिंब मूवमेंट ऑफ स्लीप, नींद सोते सोते भी पैर हिला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, किक मार रहे हैं, लात मार रहे हैं पैर को, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। रात को सोते सोते लात मारता है, वो भी बहुत कॉमन है, नाइट टाइम लेग ट्विचिंग भी बोलते हैं। सो जिनको RLS होता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उनकी कई बार वो एबनॉर्मल लेवल तक चला जाता है। टिपिकली वो अपने आप की ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बताते हैं कि यार ये ना अनप्लेजेंट है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरों को तंग कर रहा है, राइट? और सेंसेशन मतलब उनको क्या लगेगा कि उनको लगेगा कि उनके पैर के अंदर या तो दुखन हो रही है, या तो उनके पैर में कोई चीज़ चल रही है, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई क्रीप कर रही है, कोई पैर को खींच रहा है, कोई इचिंग है, कोई इलेक्ट्रिक करंट है, कोई थ्रॉबिंग चीज़ है, कुछ है जो पैर में दिक्कत कर रही है और हिलाने से चलने से ठीक हो जा रही है। सो ये एक सेंसेशन है जो उनको लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं,
है कुछ नहीं वहां पे, लेकिन उनको लगेगा, उनको फील होगा, दैट इज द प्रॉब्लम हियर. व्हाई? बिकॉज उस समय फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन इसमें नहीं रहेगा कि हाँ ये मेरे को सैनिटाइजर यूज करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को काम पे करना है, मेरे को ये हिलाना है. दैट्स वॉट दैट इज, राइट? सो सेंसेशन इज वेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फॉर दैट पर्सन, राइट? बट इसको वो मसल क्रैम्प्स या नमनेस नहीं बोलते, इट्स नॉट मसल क्रैम्प्स या नमनेस, इट्स जस्ट कंसिस्टेंट डिजायर टू मूव द लेग, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. और अलग अलग लोगों में अलग अलग सीवियरिटी होती है, किसी का कम होता है, किसी का बीच बीच में गायब हो जाता है, अब मेरे को नहीं होता, फिर वापस आ जाता है, अब मेरे को फिर होने लगा. इट माइट बी रिलेटेड टू सम स्ट्रेस फैक्टर्स. अब इसके कारण क्या है? रिसर्च में बहुत देखा, बहुत सोचा, बहुत समझा, रिसर्च में ये दिखा कि ये एक केमिकल इम्बैलेंस है आपके ब्रेन के अंदर. केमिकल का नाम है डोपामीन. डोपामीन आपके मैसेजेस भेजता है आपके मसल्स को, मसल मूवमेंट के कंट्रोल को, आपके दिमाग से पैर में. और यहाँ पर अगर एक इम्बैलेंस हो जाए तो आपका वो फीलिंग आने लगती है. येस, इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन. Restless leg syndrome is related to your nerves, to your brain, and yes, it runs in families. Sometimes it is hereditary. और कई स्पेशली अगर ये 40 साल की उम्र से पहले शुरू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हेरिडेटरी है. कुछ आपके DNA के क्रोमोजोम पे कुछ जीन्स पाई गई हैं जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के हर पेशेंट में देखी जा रही हैं. सो दैट इज देयर. अभी पक्का आइसोलेट नहीं हो पाया, बट देन स्टडीज आर गोइंग ऑन. देन द सेकेंड थिंग, अगर ऐसा कोई पेशेंट जिसको थोड़ा बहुत टेंडेंसी है या जेनेटिक रिलेटेड है या डोपामिन के केमिकल में लोचा है ब्रेन में, उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी यानी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो टेम्पररी हार्मोनल चेंज आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम को बढ़ा देगा, वर्सन कर देगा, राइट? और इसीलिए कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम प्रेगनेंसी के दौरान शुरू होता है, खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर में, और ऐसे लोगों का फिर डिलीवरी के बाद ठीक भी हो जाता है. सो ये समझ में आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस इसको बढ़ा देता है. मगर देर आर सम थिंग्स मोर जो इसके रिस्क बढ़ा देगा, रिस्क फैक्टर्स. एक तो होती है उम्र, उम्र के साथ और न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है, और ये इंक्रीजिंग उम्र में ज़्यादा होता है. विमेन में, फीमेल में ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स. और दूसरी चीज़ें जो बहुत कॉमन है, जैसे कि उसके साथ पाई जाती हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डैमेज टू योर नर्व्स बिकॉज ऑफ या तो आप कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी, उससे भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बढ़ जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपके बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है, ब्लड डोनेट किया रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ. किडनी की बीमारी है, किसी को किडनी फेलियर है, उसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, किडनी फंक्शन प्रॉब्लम है, तो फिर वो रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है. किसी को स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, मान लो इंजरी हो गई, चोट लग गई, स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉकेज हो गया, एनेस्थेशिया दिया है, बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया है, ऑपरेशन कर रहा है कोई, तो उसके बाद एकदम रेस्टलेसनेस सिंड्रोम शुरू हो जाता है. सो ये सारे रिस्क फैक्टर देखे गए हैं. सो हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? भाई हो गया रेस्टलेस, पैर हिला लेता हूँ, कुछ फील होता है, तो मेरे को क्या बीमारी है? नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑल्दो कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होता. द ओनली कॉम्प्लिकेशन इज यू कैन हैव इनसोम्निया, डिफिकल्टी टू फॉल स्लीप और स्टे अस्लीप, दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन मैनी पीपल हैव, जिनको नींद अच्छे से नहीं आती. अगर नींद अच्छे से नहीं आती है तो नींद बहुत सारी चीज़ों में, इम्यूनिटी में, हेल्थ में, मोटापे में, हेल्थ फिटनेस में, डायबिटीज़ कंट्रोल में, स्ट्रेस हार्मोन्स में, बथेरी चीज़ों में फैक्टर है. तो स्लोली स्लोली अगर ये बढ़ता जाए, सीवियर मॉडरेट लेवल पे भी हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्रोनिक बीमारियाँ कर सकता है. सो अल्टीमेटली क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्टिवली मैनेज करना चाहिए. अगर ये बेरली थोड़ा सा भी बॉदरसम नहीं है, then it's okay if it is in your control. मगर sometimes it can cause this insomnia, नींद में problem, and उसके वजह से daytime sleepiness, कई बार depression, insomnia के वजह से सुबह सुबह सो रहे हो, आप काम पे सो रहे हो, काम से गालियाँ खा रहे हो, निकाले जा रहे हो, या कोई बड़ी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हो और उसमें ठोक दे रहे हो, एक्सीडेंट कर दे रहे हो. सो दोज आर द थिंग्स विच कैन
यू नो दीज आर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हर एक केस में नहीं होगा, राइट? सो अल्टीमेटली यू नो दिस इज हाउ इट इज, सो यू हैव टू डायग्नोस दिस. इसको डायग्नोसिस करने के लिए अगेन ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके ब्लड टेस्ट किया, आयरन डेफिशिएंसी, B12, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. और अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट इज, समटाइम्स यू कैन डू ट्रीटमेंट बाय ये जस्ट करेक्टिंग दीज डेफिशिएंसीज, आयरन, विटामिन डी, बीट, ये सारे डेफिशिएंसीज करेक्ट कर लो, ठीक हो जाता है. अंडरलाइन कंडीशन ढूंढ लो, ठीक हो जाता है. कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस, मान लो एक्सरसाइज कर ली, हेल्दी कुछ चीज़ें ऐड कर दी जिससे नींद आती है, उससे ठीक हो जाता है. कई बार आपको एक्चुअल दवाई लेनी पड़ती है, जैसे डोपामीन इंक्रीज करने वाली दवाइयाँ आती हैं ब्रेन में, जो आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं, दैट इज़ जो जैसे के रोपिनिरोल और रोटीगोटीन, समथिंग लाइक दिस. तो ऐसी भी दवाइयाँ हैं, मिरापेक्स, प्रामीपेक्सोल, ऐसी नाम है, बेसिकली डोपामीन बढ़ाते हैं. फिर कुछ कैल्शियम मेडिकेशन, गाबापेंटीन अफेक्टिंग कैल्शियम चैनल्स इन द ब्रेन, सो गाबापेंटीन प्री गाबालिन भी हेल्प करती है. कई बार मसल रिलैक्सेंट, स्लीप इन मेडिकेशंस, मेलाटोनिन, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं डे टाइम में प्रॉब्लम. कई बार फिर रात को सिम्टम्स अगर बहुत सीरियस हो जाए तो ओपियोइड्स भी देना पड़ सकता है, बट दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस. इसीलिए ये दवाई हर एक में नहीं चालू की जाती, सीवियर केसेस जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे उनमें दी जाती. सो अगेन, गो टू योर डॉक्टर, टॉक टू देम. घर में कुछ कर सकते हो, कर सकते हो. यू कैन टेक ट्राई baths एंड massages. बाथ, वार्म बाथ, सोकिंग इन वार्म वाटर, लंबे लेट जाओ गर्म पानी में, आराम आएगा. गर्म पानी से मसाज कर लो, मसाज गर्म गर्म तेल से, और आराम आएगा. वार्म या कूल, दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हो. ठंडी और कूल चीज़ें ट्राई कर सकते हो लगाने के लिए, अपने सेंसेशंस बढ़ा सकते हो अपने पैर में, उससे आराम आ सकता है, किसी को ठंडे से, किसी को गर्म से. स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है. स्लीप के ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, वो देखो. लाइट बंद करो, मोबाइल फ़ोन रखो, भलाना ढमकाना वो सब करते रहो. एक्सरसाइज ज़रूर करो, एक्सरसाइज, मॉडरेट रेगुलर एक्सरसाइज, वेरी गुड फॉर दिस. कैफीन शाम को 6 बजे के बाद नहीं लेना, कैफीन अवॉइड करो, कम करो. चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब भी अवॉइड करो. फुट रैप्स, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज फुट रैप. जिनको प्रेशर लगता है तो फुट रैप डाल दो, प्रेशर डाल दो अपने फुट के नीचे, तो कई बार ये भी काम कर जाता है कि सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं. सो डू दिस थिंग्स, राइट? कीप अ डायरी, स्ट्रेच करो, मसाज करो, किसी से बात करो, डॉक्टर से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, राइट? राइट डाउन व्हाट योर सिम्टम्स आर, राइट डाउन उसमें आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है, आपके सवाल क्या है, डॉक्टर से बात करो, एवरीथिंग लाइक दिस, एंड देन यू विल गेट रिलीफ. सो दीज आर द एवरीथिंग पॉसिबल विच यू नीड टू नो अबाउट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.